नमस्कार दोस्तों, आज हम है फिर से एक नए डिश के साथ एक नई जगह जमशेदपुर में। खोजते खोजते आज हम पहुंचे हैं द पीयू होटल। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ, मैं जमशेदपुर से द पीहू होटल से हूँ। ये जो बैम्बू चिकन है, हमेशा मैं बाहर बाहर घूमते रहता था, तो ये साउथ में मुझे बैम्बू चिकन मिला, फिर दोबारा ये उड़ीसा में मिला। तो हमने भी सोचा कि जमशेदपुर में जो छोटी सी शहर है, जिसको मेट्रो सिटी भी लोग आजकल बोलने लगे, तो यहाँ पर भी इसका प्रचलन किया जाए। तो हमने धीरे धीरे करके इसे स्टार्ट किया। ये जो सिस्टम है, हम लोग बहुत देसी स्टाइल में इसको बना रहे हैं, और साउथ में तो मैंने जैसे खाया था उससे भी अलग तरीके से मैंने इसे पेश किया है। हमारे भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग का जब डेली का सुबह सुबह प्रिपरेशन चालू होता है, तो हमारे जितने भी स्टाफ हैं और मैं हूँ, सारे लोग पहले जाते हैं, बैम्बू को काट के लाते हैं, बैम्बू लाते हैं, उसमें बटर को लगाते हैं, पूरे दिन भर उसको रखते हैं, फिर से चिकन को लेके आते हैं। चिकन का भी अलग अलग पीस, कि किसी चिकन में रेसा होता है, किसी में नहीं होता है, तो हम लोग उस सबको छांटते हैं। मेरा नाम श्यामल सिंह मुंडे है। आज हम बम्बू चिकन बनाने वाले हैं। ये बैटर है, अभी चिकन में हम डालने जा रहे हैं। ये कस्तूरी मेथी है। ये जीरा पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है। इसको एक चम्मच करके डाल रहे हैं अभी, अब चिकन काम है इसलिए। ये गोटा गरम मसाला है, ये सूखा मिर्चा है, इसको भी डाल दें। दो पीस चिकन कम है इसलिए। स्पाइसी के स्पाइसी में जितने किसी को स्पाइसी चाहिए तो वो डाल सकते हैं। ये ग्रीन चिल्ली है, हमें जितने चिकन के हिसाब से अभी मिर्चा डाल रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये गोलकी पाउडर, कभी चिकन के हिसाब से डाल रहे हैं, चिकन ज़्यादा हो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये वाला भुना वाला धनिया है, उसको पाउडर बना के हम डाल रहे हैं। ये धनिया पत्ता है, उसको भी हम डाल रहे हैं। ये जला हुआ सरसों का तेल है, प्याज चॉप है, इसको यहीं पे मिला के एक ही साथ इसको मैश करके
सब एक ही जगह मिला दिए हैं। ये गरम मसाला पाउडर, ये वाला चिकन मसाला, सबका एक ही में मिला दी। ये बांस है, इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। रूम में मैं हूँ। ये अच्छा से साफ हो गया, अभी इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल दिए, इसको चारों तरफ ऑयल को लगाना है। ऑयल चारों तरफ लग गया और निकाल भी दिए जितना बचा हुआ था। फिर इसमें अभी चिकन को डाल रहे हैं। अभी जितना चिकन हम मैरिनेट किए थे वो वाला पूरा बांस में घुसा दिए हैं और इसको हम अभी बंद करने जा रहे हैं, आटा से बंद कर रहे हैं। अभी बंद हो गया इसका पूरा, इसके ऊपर हम सिल्वर फॉइल लगा रहे हैं। हल्के आंच में छोड़ दिया है केला को, अब अभी आग में हम बोम्बू चिकन को डाल रहे हैं। ये कितना देर तक रहेगा इसको? इसमें अभी 5-5 मिनट में घुमाना पड़ेगा इसको, और टोटल टोटल इसको 40 से 45 मिनट लगेगा। सो फाइनली हमारा बैम्बू चिकन आ चुका है, जो देखने में इतना स्पाइसी डिलीशियस जो लग रहा है। अब चख के बताता हूँ ये एक्चुअली कैसा दिखा खाने में होता है। प्लेटिंग भी इनका बहुत ही बढ़िया है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको आराम से हम इसको टियर करके एक एक पीसेस, एक एक लम्ब्स को अलग किया जा सकता है। पूरा एक एक बिट में मसाला इन्फ्यूज़ हो चुका है पूरा, जो स्मोकी फ्लेवर है बैम्बू का, जो अपना एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर ऑलरेडी इसमें पूरा अंदर से इन्फ्यूज़ हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं हर एक पीसेस, एवरी पीस अलग से आ जा रहा है, अलग से हमको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा। इवन द बोन्स, जो हड्डी भी अलग हो चुका है। इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग जरूर आइए द पीयू होटल कमारगोरा सोनारी न्यू ब्रिज के पास। तो ये होता है एक परफेक्ट कुक्ड बैम्बू चिकन। तो मैं अपना खाना कंटिन्यू करता हूँ और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।